था उसी दिन उन्होंने अपनी जीत घोषित कर दी थी और आज तो उसका आगाज करने का काम किया है। आज तो आगाज करने का काम किया है। यह जो सभा है वैसे लोगों को जो चंदन क्यारी में चंदन क्यारी को लूटने के लिए, चंदन क्यारी को भ्रष्टाचार से संलिप्त करने के लिए, जिनको अवसर मिला था उस अवसर में सिर्फ अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपने लोगों को, कुछ लोगों को आगे बढ़ाने के लिए चंदन क्यारी के गांव, गरीब, किसान, दलित, आदिवासी, महिलाएं, बच्चे, हमारे विद्यार्थी से लेकर के हमारी महिलाओं के जीवन में सशक्त करने की जो भी भूमिका उनकी होनी चाहिए थी और नहीं करके सिर्फ अपने लिए काम करने का जिन्होंने काम किया, आज की सभा जो वापस लड़ने के लिए जो जा रहे हैं वैसे लोगों को उनकी औकात और नींद उड़ाने के लिए काफी है, काफी है। वो 10 बार सोचेंगे नॉमिनेशन करने से पहले कि क्या चंदन क्यारी में नॉमिनेशन करना चाहिए क्या, ये 10 बार सोचेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है 2014 में जब आप लोगों ने ऐतिहासिक मत देकर के इस चंदन क्यारी के बेटे को यहां से प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, 2014 से 2019 के बीच में चंदन क्यारी के गांव, गरीब, किसानों, दलित, आदिवासियों के जीवन में उत्थान लाने के लिए, चंदन क्यारी के पिछड़ेपन को और कलंक को मिटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की इस डबल इंजन की सरकार के नेतृत्व में हम लोगों ने निरंतर रात और दिन 24 घंटे ईमानदारी के साथ इस चंदन क्यारी को निर्माण करने का काम किया। चाहे वो हमारे 65 गांव के 9,333 परिवारों में बिजली नहीं पहुंचने का काम हो, आजादी के पहले, आजादी के 70 साल के बाद भी हमारे 64-65 गांवों में बिजली नहीं पहुंची थी, 2.5 साल के अंदर में हमने चंदन क्यारी के इस भारतीय जनता पार्टी के सरकार के नेतृत्व में 9,333 परिवारों को, उन 65 गांव के 9,333 परिवारों को 100% बिजली देने का काम झारखंड की सरकार ने, रघुवर दास जी की सरकार ने और आपकी सरकार ने किया। 24 घंटे बिजली मिले इसके लिए 5 नई सब स्टेशनों का निर्माण, पावर का सब ग्रिड बरमसिया में, पावर का सब ग्रिड बरमसिया में सब स्टेशन, हमारा मामाकुदर में सब स्टेशन, पिंडराजुड़ा में सब स्टेशन, हमारा पाटटाल में सब स्टेशन, हमारा लगला में सब स्टेशन, 5 नई सब स्टेशन का निर्माण हो रहा है और 24 घंटे सातों दिन बिजली रहे ये व्यवस्था करने का काम आज रघुवर दास जी की सरकार ने किया है। आज भी गांव में 20-22 घंटे बिजली रहती है, 2014 से पहले कितनी रहती थी आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है। जब 2014 में पहले कहीं ट्रांसफार्मर खराब होता था वो ट्रांसफार्मर लेने के लिए किसी की पैरवी की दरकार होती थी, धरने प्रदर्शन करने पड़ते थे, हम लोगों को आमरण अनशन तक करना पड़ा है 200 केवी का ट्रांसफार्मर लेने के लिए, ऐसे लोगों के घर में पहुंचाने के लिए उस समय जनप्रतिनिधि थे, उनके घर में पहुंचाने के लिए हम लोगों ने आमरण अनशन तक किया है, पैसा देना, घूस देना उस एकमात्र ट्रांसफार्मर के लिए वो दिन लग चुके हैं। चंदन क्यारी में अब पोल ले जाने के लिए अपने घर में बिजली चाहिए, अपने गांव में बिजली चाहिए, इसलिए पोल लेके जाने के लिए किसी को जान देने की जरूरत नहीं है। 2014 आपको याद होगा, 2014 लखीपुर के हमारे ग्रामीण भाई अपने गांव में बिजली जाने के लिए ट्रैक्टर से पोल लेकर के जा रहे थे और भाड़ाजोड़ी पेट्रोल पंप के पास ट्रैक्टर पलट गया और जो पूरा पोल है उसके शरीर पे आ गया, उसने वही दम तोड़ दिया, एक बंदे ने अपनी पूरी जो टांग है वो पूरी तरह से अपाहिज हो गया। ऐसा दिन देखने के लिए अब चंदन क्यारी को जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आपकी सरकार आज चंदन क्यारी में है और 24 घंटे सातों दिन बिजली सभी गांव में पहुंचाने का काम चंदन क्यारी की जनता ने किया। गौ बराज का योजना 70 के दशक से पड़ी हुई थी, लोग एरियल सर्वे करते थे, हवाई यात्रा करते थे, लेकिन गौ बराज कभी बना नहीं, लोगों ने सिर्फ उसको राजनीतिक अपने राजनीतिक मुद्दे के रूप में रखा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, रघुवर दास जी की सरकार के नेतृत्व में हम लोगों ने आज 138 करोड़ गौ बराज को जमीन पे उतारने का काम किया है और नहर जो है अब सिमुलिया तक पहुंच गया है, पिंडराजुड़ा से लेकर बड़ा से लेकर सिमुलिया तक सड़क पहुंच गया है और चाहे खलीसा का पुल हो जो जिनमें 5 लोगों की मृत्यु होगी, तो खलीसा का पुल बनाने का काम हो दुबे कांटा से लेकर के, चाहे वो मुर्गा तल का सड़क हो जो आजादी के बाद नहीं बना था, वो सड़क बनाने का काम हो, चाहे फिर मिर्धा से लेकर के फोटो पात्र तक आदरकुड़ी होते चौक सड़क की चौड़ीकरण करनी हो, चाहे मामर कुदर से लेकर के दुबे कांटा तक का सड़क का चौड़ीकरण करना हो, चाहे तलगड़िया का वो सड़क जो रेलवे के एनओसी नहीं मिलने के कारण कभी नहीं बना, वो सड़क का निर्माण करना हो, ऐसे छोटे बड़े 1,000 से 100 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों का निर्माण इस 5 साल में चंदन क्यारी में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आपकी सरकार ने किया। आज 22,000 महिलाओं के घर में, 23,000 महिलाओं के गैस घर में गैस का कनेक्शन है उज्ज्वला का। आज 13,000 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिला है। आज 58,000 परिवारों को गोल्डन कार्ड का लाभ मिला है।
आज 33,000 से ज्यादा परिवारों को शौचालय का लाभ मिला है। आज 25,000 से ज्यादा कृषकों को प्रधानमंत्री और अपना मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत 5,00,000 से लेकर 31,000 रुपए तक का अनुदान मिला है। आज 1 रुपये में 39,000 महिलाओं ने चंदन कैरे में रजिस्ट्रेशन कराया है। 16,000 से 17,000 सखी मंडलों का निर्माण हुआ है। 7,500 महिलाएं सखी मंडलों के माध्यम से रोजगार से जुड़ी है। ये सारे कार्य व्यक्तिगत रूप से चंदन कैरे में किया है। चंदन कैरी की जनता, गांव गरीब जनता ये बेमान नहीं है साहेब, ये बेमान नहीं है। इनके दिन में ईमान है और ईमान है इसका प्रमाण लोकसभा के चुनाव में 2019 में उन्होंने दिखाया है। 1,72,000 की पोलिंग में 1,27,000 कमल को खिलाया है इस चंदन कैरी में। ये चंदन कैरी की जनता का ईमान है। लोग कितने भी छद्म वेश में आए थे, कितना ही बहुरूपिया दिखाया था, कितने रूप दिखाए थे, सारे बहुरूपियों का, सारे ऐसे घोटालेबाजों का, सारे ऐसे दगाबाजों का जो है ऑपरेशन चंदन कैरी की जनता ने 2014 में ही कर दिया है। और उस मंथन के साथ चंदन कैरी से कमल, अब चंदन कैरी से नेताम जी लेने आए हैं। एक कमल खिलना चाहिए कि नहीं खिलना चाहिए? तो 65 में सबसे पहला कमल कहां का होगा? और जब 65 में पहला कमल चंदन कैरी का होगा तो क्या हो जाएगा? कमल चंदन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो कमल चंदन झारखंड का पहला कहां से जाएगा? ये चंदन कैरी के माटी के भूमि से जाएगा। ये चंदन कैरी के पूर्वजों को नमन है, हमारे पूर्वजों को नमन है, हमारे महापुरुषों को नमन है जिसने इस भूमि का नाम चंदन कैरी रखा है। ये चंदन कैरी के हमारे सुगंधित लोग, चंदन कैरी के मृदुभाषी ईमानदार और सरल लोग जो अपने परिश्रम पर भरोसा करते हैं, जो अपने भुजाओं की ताकत पर भरोसा करते हैं, इस जमीन पर खट करके अपने लिए, अपना परिवार के लिए रोजगार उपलब्ध करा करके अपने सरकार और अपने भारत को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इस चंदन कैरी की माटी को नमन करते हुए सबका साथ और सबका विकास का नारा देते हुए, सबका विश्वास हासिल करने का नारा लेते हुए आज भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। हम लोगों ने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया तो पहली बार आजादी के बाद चंदन कैरी की धरती पर यहाँ रहने वाले हमारे अनुसूचित जनजाति समाज के लोग हो, चाहे हमारे मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज के लोग हो, हम लोगों ने उनके लिए कब्रिस्तान की घेराबंदी कराई तो हम लोगों ने जाहिर स्थान की घेराबंदी कराई। कभी भी हम लोगों ने किसी के साथ भेद नहीं किया। सबका साथ सबका विकास का नारा लेकर के हम लोग लगातार आगे बढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं और हमारा लक्ष्य है इस चंदन कैरी के गौरव को, परम वैभव पर जिस तरह से मां भारती को लेकर जाना है, उसी तरह पूरे देश और दुनिया में चंदन कैरी की खुशबू को भी पहुंचाने का काम करना है। ये हमारा लक्ष्य है। इसीलिए 2015 में ही हम लोगों ने क्या करा, इस चंदन कैरी में जो वायुसेना की बहाली पटना में होती थी, रांची में होती थी, वो चंदन कैरी की धरती पर करवाने का काम चंदन कैरी की जनता ने कराया। अमर वावरी ने कुछ नहीं कराया दोस्तों। ये 2,37,000 चंदन कैरी की जनता का ताकत है, तब अमर वावरी का ये ताकत है। अगर ये निकाल दिया जाए तो अमर वावरी कुछ नहीं है, अमर वावरी की कोई औकात नहीं है। ये आपका आशीर्वाद है, ये आपका विश्वास है जिसके बुनियाद पर वायुसेना की बहाली भी हम लोगों ने चंदन कैरी में कराई है। पहले के लोगों ने तो चौकीदार की भी बहाली चंदन कैरी में कराने का काम नहीं किया है। चंदन कैरी में हमारे सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए छौ नाच का अनुसंधान केंद्र चंदन कैरी में, रविंद्र भवन का निर्माण चंदन कैरी में, बंगला नाट्य यात्रा उत्सव चंदन कैरी में, रास महोत्सव चंदन कैरी में, करम महोत्सव चंदन कैरी में, और पूरे देश दुनिया में जिस चंदन कैरी का नाम आगे बढ़ा है वो भैरवनाथ महोत्सव भी चंदन कैरी में कराने का काम किया है। और चाहे भैरवनाथ स्थान हो, चाहे हमारा नेपुरचक धाम हो, चाहे हमारा गोष्ठेश्वर धाम हो, चाहे हमारा चित्केश्वर धाम हो, चाहे हमारा बूढ़ा थान हो, ये सारे जो हमारे स्थान है, धार्मिक स्थान है, इस धार्मिक स्थान को कभी भी किसी ने सहेजने का काम नहीं किया, कभी इसको विकसित करने का काम नहीं किया। आपकी सरकार ने, रघुवर दास जी की सरकार ने ना सिर्फ इसको सहेजा संवारा बल्कि इसके साथ आस्था को भी आगे बढ़ाने का काम और इन श्रद्धालुओं को उनको उमंग देने का काम, विश्वास देने का काम आज रघुवर दास जी की सरकार ने किया। आज हमारे चंदन कैरी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बन रहा है। आज हमारे चंदन कैरी में पार्क बन चुका है। आज चंदन कैरी में बाईपास का निर्माण हो चुका है। चंदन कैरी के गांव गांव में, पहले घरों में बिजली नहीं थी, अब गांव गांव में भी बिजली आई है। हमारे स्ट्रीट लाइट से गांव गांव शहरों की तरह चमक रहा है। ये सारे विकास के कार्य देख करके विपक्षियों की छाती फट रही है।
उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, उनके पास कोई बात नहीं है। उन्होंने अपना विश्वास 2014 में खो दिया है, उन्होंने विश्वास खो दिया है। अब जाएंगे तो कैसे लेकर के जाएंगे? गांव में जाते हैं तो पूछते हैं तो बोलते हैं, दादा इतना ही विकास किए थे 2014 में काहे हार गए? जनता पूछती है, जनता पूछती है ये 2014 में क्यों हार गए? उनसे पूछती है जो जाते हैं कि चंदन कैरी में। आज गांव गांव में घर घर में चंदन कैरी की जनता ने विकास देखा है। और चाहे गैस के कनेक्शन के माध्यम से हो, 1 रुपया किलो चावल की योजना के माध्यम से हो, चाहे हमारा जो है प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से हो, चाहे हमारा जो आयुष्मान की योजना के माध्यम से हो, ये सारी योजनाओं के माध्यम से चंदन कैरी की जनता ने विकास देखा है और चंदन कैरी की जनता ने इसको महसूस भी किया है। इस बुनियाद पे आज चंदन कैरी की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ कदम से कदम मिलाकर के इस कमल को खिलाने के लिए, वापस इस चंदन कैरी में पूर्ण कमल खिलाने के लिए, और इस चंदन कमल को आज झारखंड में स्थापित करने के लिए हम सब लोग यहाँ विजय संकल्प के लिए आए हुए हैं। हम सब लोग आए हुए हैं। युवाओं की संख्या ज्यादा है, हमारे जो बड़े बुजुर्ग है वो बोलते हैं युवा ही जाएंगे, और चंदन कैरी का 90% युवा देश के साथ है, विकास के साथ है, जो भारत माता की जय बोलता है उसके साथ है, और साथ होने का प्रमाण ये सारी जनता है जो निस्वार्थ भाव से इस चंदन कैरी के नवनिर्माण के लिए, इस चंदन कैरी के चंदन को आगे फैलाने के लिए, जो भी इस चंदन कैरी के विकास में अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ तैयार है। एक तरफ राष्ट्रभक्त लोग और एक तरफ देश के गद्दार लोग, और जिस तरह से लोकसभा में उसका परीक्षण हो गया, विधानसभा में भी चंदन कैरी में इसका परीक्षण हो जाएगा 16 तारीख को, और 23 तारीख को उसकी गिनती भी हो जाएगी। आइए दोस्तों, अपने आदरणीय नेता नेताम जी को सुने हम, और ये संकल्प लेकर के, ये संकल्प लेकर के कि 16 तारीख तक मतदान होने तक बहुत सारे प्रपंचगंडा करेंगे, प्रपंच करेंगे, बहुत तरह का अफवाह फैलाएंगे। किसी अफवाह पर ध्यान मत देना, किसी प्रपंचगंडा पे ध्यान मत देना। आपका नेता ईमानदार है, आपका नेता का कार्यकाल बेदाग है, आपका नेता पूरे 5 साल 8 मंत्रालय रहने के बाद भी चंदन कैरी में रात बिताया है, बोकारो में एक रात नहीं बिताया है। चंदन कैरी की जनता को तय करना है कि चंदन कैरी के माटी में रहने वाले चंदन कैरी के नेता बेटा को नेता बनाएंगे कि बाहर से आयात करके लेकर के आएंगे, बोरो प्लेयर लेकर के आएंगे। ये चंदन कैरी की जनता को तय करना है, और चंदन कैरी की जनता ने 2014 में तय कर ली है, उसी का दोबारा जो है पुनर्वापसी पार्ट 2, बाहुबली पार्ट 1 पार्ट 2 बनता है ना, उसे ही भाजपा सरकार पार्ट 1, मोदी सरकार पार्ट 1 पार्ट 2, उसी तरह रघुवर सरकार पार्ट 1 और पार्ट 2, और चंदन कैरी में भी पार्ट 1 और पार्ट